Hello guys, my name is Riddhima Rathore. Welcome back to my channel. I hope that you all are good. So today in this video we will talk about ordering system. So let me get the brush. So what is ordering system? Ordering system has main five components, which is the first one is credit card authorization company, then customer service, then accounting, then customer, and then warehouse. These are the five main components of the ordering system. So first we will know that what is ordering system. Ordering system hoti hai means like an online. On online you order something. So what is the process of that? Means जो आप order करते हो उसके बाद क्या process होती है, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कैसे आपके online पैसे आपके account से cut होते हैं, वो सब कुछ हम आज बात करते हैं. So guys, जो ऑर्डरिंग सिस्टम है उसके फाइव कंपोनेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ. कस्टमर, वेयरहाउस, कस्टमर सर्विस, क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी एंड अकाउंटिंग. सो फर्स्ट हम वेयरहाउस की बात करते हैं. वेयरहाउस में सारा सामान होता है. मींस इफ़ यू ऑर्डर्ड एन लैपटॉप, सो इट विल बी इन द वेयरहाउस ओनली, एंड द ऑर्डरिंग सिस्टम विल सेंड एंड अ डिटेल अ पिकिंग लिस्ट टू द वेयरहाउस एंड इट विल सेंड द मींस जो भी, जैसे आपने ऑर्डरिंग सिस्टम मतलब ऑर्डर क्या किया, आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, तो उस जो आपने लैपटॉप ऑर्डर किया तो वो ऑर्डरिंग लिस्ट पिकिंग लिस्ट कहाँ जाती है, वेयरहाउस में, और वेयरहाउस में से फिर वो जो आपने ऑर्डर किया है वो वापस आता है ऑर्डरिंग सिस्टम के पास, और वो ऑर्डरिंग सिस्टम आप कस्टमर को सेंड कर देता है. उसके बाद होता है कस्टमर, जो हम हैं. तो कस्टमर के पास ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जाती है, ऑर्डर उनके घर पहुंचने से पहले कस्टमर के पास ऑर्डर का स्टेटस जाता है कि मींस ऑर्डर कहाँ पहुंचा है. सो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर स्टेटस. सो जो ऑर्डर स्टेटस उसके पास जाता है कस्टमर के पास, मींस हमारे पास, हमने ऑर्डर किया. कस्टमर तीन चीज़ें करता है. कस्टमर एक तो ऑर्डर्स देता है ऑनलाइन, लाइक अगर लाइक टेक एनी मींस एनी ऑनलाइन कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, विच यू वॉन्ट, विच यू लाइक द मोस्ट, यू कैन चूज. सो यू ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डिड, यू ऑनलाइन ऑर्डर्ड, और इफ़ यू वॉन्ट टू डू ऑनलाइन द पेमेंट सो यू विल डू द पेमेंट ऑल्सो ऑनलाइन. ओके, एंड द थर्ड थिंग मतलब घर पे आपका जब प्रोडक्ट आ जाता है, व्हेन द प्रोडक्ट कम्स एट योर हाउस एंड यू हैव एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो आप उसे वापस भेज देते हो. ओके, सो आपने तीसरी क्या चीज़ की, थर्ड क्या चीज़ की, कंप्लेंट्स. सो हमारा जो कस्टमर होता है वो मेनली थ्री थिंग्स करता है. वो ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट्स देता है एंड कंप्लेंट देता है. उसके बाद होती है जब कस्टमर का सारा काम हो जाता है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग, मतलब जहाँ पे हमारे रुपीज़ का सब कुछ रखा जाता है. मींस कितने कितने रुपीज़ क्या किस सामान किसको भेजा गया था, एवरीथिंग. ओके, सो दीज आर दी कैश रिसिप्ट्स. सो जो भी कैश से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है अकाउंटिंग, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे सारी हमारी अकाउंटिंग्स होती है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दी क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी. क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी क्या होती है, वो एक कंपनी होती है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जो भी रिक्वेस्ट होती है वो हम ऑर्डरिंग सिस्टम सेंड करता है. एंड देन जो क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी होती है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी स्टेटस होता है, जो भी क्रेडिट का स्टेटस होता है वो यहाँ कहाँ सेंड करती है, ऑर्डरिंग सिस्टम पे, और ऑर्डरिंग सिस्टम क्रेडिट रिक्वेस्ट सेंड करता है. ओके, फिर आती है कस्टमर सर्विस. सो जो हमारा कस्टमर था वो जो कंप्लेन करता है, अब उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा कस्टमर सर्विस. सो जो कस्टमर सर्विस है वो ऑर्डरिंग सिस्टम जो भी कंप्लेन उसके पास आई होती है ऑर्डर्स के रिगार्डिंग, वो उन्हें कहाँ भेजता है, कस्टमर सर्विस में, और कस्टमर सर्विस उन ऑर्डर्स को सही करके वापस ऑर्डरिंग सिस्टम के पास भेज देता है. गाइस आपने देख ही लिया होगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक समरी रिव्यू दूँ तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ. लाइक ये देखिए, ये है हमारा ऑर्डरिंग सिस्टम. ओके,
इसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कस्टमर्स, वेयरहाउस, कस्टमर सर्विस, क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी एंड अकाउंटिंग। ओके, सो ये जो 5 कंपोनेंट्स है, ये मतलब ऑर्डरिंग सिस्टम से जो भी काम होते हैं सब यहाँ होते हैं। सो वेयरहाउस के पास पिकिंग लिस्ट जाती है कि और जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर उठा के वेयरहाउस से पिकअप करके वो ऑर्डरिंग सिस्टम के पास जाता है, ऑर्डरिंग सिस्टम पार्सल्स इट टू द कस्टमर एंड देन व्हाट डू देन उसके बाद ऑर्डर का जो भी स्टेटस होता है वो कस्टमर के पास जाता है एंड कस्टमर डज 3 थिंग्स मेनली, ही प्लेस ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग प्लेसिंग एंड पेमेंट्स एंड कंप्लेंट्स। सो दीज आर द मेन 3 थिंग्स विच कस्टमर डू एंड देन द अकाउंटिंग गेम मीन्स अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे सारी हमारी अकाउंटिंग होती है कैश रिसिप्ट से रिलेटेड, ओके, एंड क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी जहाँ पे ऑर्डरिंग सिस्टम अपनी क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट भेजता है और क्रेडिट स्टेटस सेंड कर और क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी क्या क्रेडिट स्टेटस सेंड कर देती है। एंड एक अलग डिपार्टमेंट जो होता है सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, मतलब जो कस्टमर ने जो कंप्लेन की थी अब उसे रिजॉल्व भी तो कोई करेगा ना, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अलग ही डिपार्टमेंट बना होता है जिसे हम कहते हैं कस्टमर सर्विस। लाइक मीन्स आप कुछ भी किसी एट एनी साइट यू ऑर्डर, लाइक यू ऑर्डर्ड ऑन फ्लिपकार्ट समथिंग, सो द फ्लिपकार्ट जो फ्लिपकार्ट पे आपने ऑर्डर किया है, अगर उस ऑर्डर से आपको कोई भी मीन्स घर पे जब ऑर्डर आया, लाइक आपने मंगवाया कुछ भी एयरफोन, हेडफोन, मीन्स हेडफोन जो आपने मंगवाए वो वर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, सो आप जो एड्रेस होता है उसी पे वापस भेज देते हो, तो वो किसके पास जाता है, ऑर्डरिंग सिस्टम के पास जाते हैं। और जो अलग सा हमारा डिपार्टमेंट होता है जिसे सब कस्टमर सर्विस कहते हैं, उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, हमारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना। सो जो कस्टमर कंप्लेन करता है वो रिजॉल्व होके ऑर्डर करेक्ट होके कहाँ जाता है, ऑर्डरिंग सिस्टम के पास। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज फॉर सीइंग माई दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड एनी वीडियो। सो यू हैव टू डू ओनली 3 थिंग्स, लाइक, शेयर सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू गाइज।